हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस शेयर कर रहा हूँ। ये जो पेशेंट था वो यूरिन प्रॉब्लम से ग्रसित था, उसको यूरिन प्रॉब्लम थी। आते ही उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या यूरिन की प्रॉब्लम भी आपके यहाँ सॉल्व हो जाती है? पथरीका तो मुझे पता है, किडनी की पथरी निकल जाती है, तो क्या यूरिन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो हल्का सा मैं मुस्कुरा दिया और मैंने कहा कि भाई, जब किडनी की आपकी स्टोन निकल सकती है तो यूरिन प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो मैं, चलो बताइए। बोले कि जो मेरी प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, उसमें मोस्ट ऑफ लोग पहले सुन करके तो यकीन नहीं करते, और मैंने कई यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, यूरोग्राम मेरा हो चुका है, सिस्टोस्कोपी मेरी हो चुकी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। लगभग 2 साल मैं, ठीक है आप अपनी प्रॉब्लम बताएं। बोले जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे यूरिन बहुत तेजी से आएगा, ऐसा लगेगा बस एकदम भागो, कहीं निकल ना जाए। मैं जाता हूं, जैसे ही यूरिन के लिए खड़ा होता हूं तो यूरिन आगे आगे आकर के वापिस हो जाता है। जो ग्लैंड्स ऑफ पेनिस है वहां तक आकर के वापिस हो जाता है, और उसके बाद मेरे जो यूरिन की नली है उसमें बहुत पेन होता है, और फिर बहुत देर जोर लगाने के बाद, इंतजार करने के बाद यूरिन पास होता है। ठीक है, और बोले यही प्रॉब्लम है। मैंने तो ये बताइए कि जलन होती है या आपको दर्द होता है? उल्टी नहीं डॉक्टर, जलन नहीं, दर्द होता है। पेशाब के लिए जाऊंगा, और जैसे यूरिन के लिए मैं खड़ा होता हूं तो यूरिन आते आते आगे पीछे वापस हो जाता है, और ग्लैंड्स ऑफ पेनिस में आके वापस होना, और फिर पेशाब की जो मेरे यूरिन की ट्यूब है, यूरेथ्रा है, उसमें पेन होता है, बहुत पेन, और फिर मुझे बहुत देर खड़ा होना पड़ता है, फिर यूरिन आता है। तो मैं, फिर यूरिन खुल के होता है? वो नहीं, खुल के क्यों होगा, वो तो बड़ी मुश्किल से होता है। तो मैंने कि फिर तो भाई, जब आपने खड़ा, आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं, वो तो आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वो नहीं, फिर भी दिक्कत ये है, जो यूरिन की स्ट्रीम है, जो यूरिन का फ्लो है, वो भी बहुत अजीब होता है, वो कई फ्लो में निकलता है। जैसे लोगों का एक फ्लो निकलता है, सिंगल फ्लो निकलता है, मेरा कई फ्लो निकलते हैं, मतलब धार कई जगह बट जाती है, जो यूरिन का फ्लो है, स्ट्रीम है, वो कई जगह बट जाती है। मैंने, और भी प्रॉब्लम? बोले जी नहीं, बिल्कुल नहीं, और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्यास मुझे बिल्कुल ठीक लगती है, पेट मेरा ठीक रहता है। तो मेरे पास जो एक बहुत बड़ा एक क्लू था वो ये था कि यूरिन आकर के वापिस जाना, जो लेकिन मैं, जब मैंने उसको बीबीसीआर में देखा तो रूब्रिक एज इट इज मुझे नहीं मिला। तो मेरा अपना मेथड ये है कि जब केस में कोई भी मुझे रूब्रिक्स प्रॉपर नहीं मिलता, सिम्टम्स नहीं मिलता, तब मैं कोई भी एक पिक्यूलर रूब्रिक्स या सिम्टम्स पकड़ करके उसको रिपर्टरी में ढूंढता। तो मैंने बीबीसीआर से, बोगर बोनी हंसन करेक्टरिस्टिक्स में, रिपर्टरी से यूरिन चैप्टर में गया, वहां मिक्चुरेशन से फिर यूरिनेशन से मैंने स्ट्रीम स्प्लिट, एक रूब्रिक्स था वो लिया,
क्योंकि मुझे जो उसके एक रूब्रिक्स जो मिला वो ये था कि उसकी जो यूरिन स्ट्रीम थी दैट डिवाइडेड इनटू पार्ट। अर्जेंटम नाइट्रिकम में बहुत अच्छा है ये, बिकम स्पर्ट और इन डबल स्ट्रीम। देन कैंथ्रीज में भी है, पेट्रोलियम में भी है। तो मैंने देखा जो वहां पर मेडिसिन थी, तो तब मैं ये करता हूं कि वो रूब्रिक्स पकड़ करके जो इतनी वहां पर और मेडिसिन है उनको सारा सिम्टम जब तक नहीं मिल जाता मैं एक एक करके पढ़ता। जरूरी नहीं है कि आपको वो सिम्टम्स और रूब्रिक्स एज इट इज मिल जाए। वो क्यों? क्योंकि यहां पर रूब्रिक्स और सिम्टम्स की अलग अलग है परिभाषा। सिम्टम्स वो हैं जो मेट्रिया मेडिका में मिलते हैं मेडिसिन के, ठीक है, और रूब्रिक्स की बहुत छोटी वोकलवरी है जो हमको बहुत एक पार्ट में मिलता है, तो एज इट इज नहीं मिलता। तब मैंने वो पढ़ना शुरू किया एंड देन आई वॉज सरप्राइज कि मैंने एक एक मेडिसिन को क्लार्क डिक्शनरी से पढ़ना शुरू किया एंड देन आई फाउंड अ रेमेडी इन विच क्लियरली मेंशन मॉर्बिड अर्जिंग टू यूरिनेट, यूरिन कम अप टू ग्लैंड्स ऑफ पेनिस एंड रिसीड एंड फॉलोड बाई पेन यूरेथ्रा। यूरिन स्ट्रीम लाइक फॉग्ड, फॉग्ड जो हमारा फॉग्ड होता है ना खाने वाला, मतलब कई स्ट्रीम में हो जाता है, एज इट इज लिखा मिला। आई वॉज सरप्राइज वंडर के एकदम से। एंड मेडिसिन वाज प्रूनस स्पाइनोसा। ये केवल स्प्लिट ऑफ यूरिनेशन स्ट्रीम में, यूरिन स्ट्रीम में पड़ा था एक मेडिसिन। देन मैंने जब मेडिसिन पढ़ी ना पर उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम में पूरा हमारा जो पेशेंट का स्टेटमेंट मेल खा रहा था उसको सिमिलर नहीं था, ना ही कैंथरिस में था, ठीक है, प्रूनस स्पाइनोस ना थूजा में था, केवल प्रूनस स्पाइनोस है जो एज इट इज मिला। एंड आई प्रेस्क्राइब प्रूनस स्पाइनोसा 6C। विद इन अ वीक पेशेंट ने कहा कि जो मेरी अर्जेंसी थी वो कम हो गई है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यूरिन जो मेरा पीछे वापस चला जाता था वो बंद हो गया, आ जाता है, पेन बहुत कम है। प्रूनस स्पाइनोसा की पोटेंसी बढ़ाते हुए ये केस प्रूनस स्पाइनोसा 12 पर बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट जो पोटेंसी दी गई वो प्रूनस स्पाइनोसा 12C थी। 2.5 मंथ लगे, उसकी जो स्ट्रीम थी वो फ्लो था, वो प्रॉपर हो गया, फोल्ड लाइफ या स्प्लिट नहीं रहा। एंड ये उसको बिल्कुल हर पेन से, हर सिम्टम से उसको छुट्टी मिली। तो मेरा कहने का, जो यहाँ शेयर करने का था कि जो रेयर मेडिसिन होती है जो पॉलीग्रेस नहीं होती वहां भी बहुत अच्छे हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं और इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि भाई बड़ी मेडिसिन में जो मेथड है कि आप पहले कोई भी एक उसका क्वालिफाइड सिम्टम्स और रूब्रिक्स पकड़े, रिपर्टरी में जाए, अगले मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वहां पर सारी मेडिसिन को पढ़ करके आप एज इट इज पेशेंट्स के स्टेटमेंट ढूंढ सकते हैं। दिस इज वाज अ वंडरफुल केस। और जो 2 साल से उसका परेशान था वो सॉल्व हुआ और दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम। आई थिंक गुड डे।